दोस्तों नमस्कार, मैं अभिनय एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म्स पढ़ने वाले हैं, यूज़ ऑफ इट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। दोस्तों एक प्रश्न की बात की जाए तो जैसे मैं बोलूं आपसे कि आज शुक्रवार है, ठीक है, तो इसका आप क्या बनाओगे? टुडे इज़ फ्राइडे, ठीक है, जो कि आपका गलत है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि कल मेरा जन्मदिन है तो आप क्या बनाओगे? टुमारो इज़ माय बर्थडे, ये भी गलत है। ऐसा क्यों हो रहा है ना? आखिर जैसे अगर हिंदी में हम जो चीज़ को सोचते हैं उसी को ट्रांसलेट करते हैं उसी तरीके से इंग्लिश में, तो वो चीज़ हमारे लिए कभी न कभी वो चीज़ गलत हो जाती है। आखिर रीज़न क्या है? तो इसी चीज़ को हमें आज समझना है, क्योंकि ज़्यादातर भारतीय इसी प्रकार की गलती करते हैं, बल्कि हमें इट का प्रयोग यहाँ पर करना चाहिए। आज शुक्रवार है ना, जैसे हमने लिखा यहाँ पे आज शुक्रवार है, तो इसका क्या होगा? इट इज़ फ्राइडे टुडे, या टुडे इट इज़ फ्राइडे, ये सही तरीका है। या जैसे मैंने कहा कल मेरा जन्मदिन है, तो इसका क्या होगा? इट इज़ माय बर्थडे टुमारो, या टुमारो इट इज़ माय बर्थडे, ये अप्रोच सही है। इसी को आपको फॉलो करना है, ठीक है। इट हमारे लिए ज़्यादा मायने नहीं रखता है, जबकि इट का प्रयोग अनेक स्थानों पर किया जाता है, ठीक है। इट का वास्तव में कोई अर्थ नहीं होता है, अतः इसे एम्प्टी इट या इंट्रोडक्टरी इट भी कहा जाता है। याद रखिएगा इसको, हम लोग इट को क्या बोलते हैं? एम्प्टी इट या इंट्रोडक्टरी इट भी कहा जाता है। चलिए अब हम जानते हैं इनका यूज क्या है, ठीक है। पहला, दिनों के नाम बताने के लिए हम लोग इट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है, कोई भी दिन का नाम बताना हो। जैसे मैं बोलूँ आपसे कि आज सोमवार है, तो क्या बोलोगे? इट इज़ मंडे टूडे, ठीक है। कल रविवार था, तो क्या बोलोगे? यस्टरडे इट वॉज संडे। परसों रविवार था, तो क्या बोलोगे? द डे बिफोर यस्टरडे इट वॉज संडे, या डे बिफोर यस्टरडे इट वॉज संडे, ये बोलना है आपको, ठीक है। अब देखिए, दिवस यानी दिनांक या तारीख बताने के लिए भी होता है ना, डेट बताने के लिए भी हम लोग इट का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं बोलूँ आपसे कि आज 26 जनवरी है, तो क्या बोलोगे? टुडे इट इज 26 जनवरी, ठीक है, जनवरी। कल 27 मई है, तो क्या बोलोगे? टुमारो इट इज 27 मई। तो इस तरीके से हम लोग डेट बताने के लिए भी करते हैं। अगला, तीसरा है इसका यूज़, महीनों के नाम बताने के लिए भी हम लोग इट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे मार्च का महीना है, तो क्या बोलेंगे? इट इज द मंथ ऑफ मार्च। जून का महीना था, ठीक है, इट वॉज द मंथ ऑफ जून। अब चौथा यूज़ क्या है इसका, सन या वर्ष को बताने के लिए भी करते हैं, ठीक है, ईयर को बताने के लिए। जैसे 2020 है, तो क्या लिखेंगे? इट इज़ 2020, ठीक है, 2020। 1947 था, इट वॉज 1947। तो इस तरीके से हम लोग बताएंगे वर्ष को भी, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पांचवा यूज़ है इसका, वर्षा होना या बर्फ गिरना, इसको बताने के लिए हम लोग इट का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया जाएगा, ठीक है। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रहे कि वर्षा होने के लिए रेन का प्रयोग होगा, ना कि फॉलिंग वाटर, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। वर्षा होने के लिए हम लोग रेन का प्रयोग करेंगे, ना कि फॉलिंग वाटर करेंगे। उसी तरीके से बर्फ गिरने के लिए स्नो का प्रयोग करना है ना, ना कि फॉलिंग आइस करना है। तो इस दो पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है, रेन का प्रयोग करना है ना कि फॉलिंग वाटर का, और स्नो का प्रयोग करना है ना कि फॉलिंग आइस का। तो इन चीज़ों का ध्यान, क्योंकि रेन और स्नो जो है दोनों क्या है आपका? वर्ब है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूँ, वर्षा हो रही है, तो क्या बोलेंगे? इट इज़ रेनिंग, वर्षा होगी, इट विल रेन। या बर्फ गिर रही थी, तो इट वॉज स्नोइंग, ठीक है, ना कि फॉलिंग आइस बोल देंगे, ये चीज़ गलत तरीका हो जाएगा, ठीक है। अब छठा यूज़ देखते हैं इसका क्या है, ठीक है। छठा यूज़ है इसका, इट का प्रयोग मौसम ऋतुओं के लिए भी किया जाता है, मौसम और ऋतु के लिए भी हम लोग करेंगे इट का प्रयोग, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ आपसे कि ग्रीष्म ऋतु है, तो क्या बोलेंगे? इट इज़ समर सीजन, ठीक है। जैसे ठंड का मौसम था, तो क्या बोलेंगे? इट वॉज विंटर सीजन। आज बहुत गर्मी है ना, सच में आज बहुत गर्मी भी वैसे है ना, टुडे इट इज़ वेरी हॉट। कल बहुत ठंड था, तो क्या बोलेंगे? यस्टरडे इट वॉज वेरी कोल्ड। तो इस तरीके से हम लोग इसका यूज़ इस्तेमाल करेंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट यूज़ देखते हैं इसका,
किसी वाक्य में ना लगा हो तो इट का प्रयोग करेंगे, है ना। किसी वाक्य में अगर ना लगा हो तो वहाँ पे हम लोग इट का प्रयोग करेंगे। जैसे अब चलना ठीक है, चलना यानी चलना में ना लगा है ना, अब चलना ठीक है तो क्या बोलेंगे, नाउ इट इज गुड टू गो, ठीक है। धूम्रपान करना बुरा है, धूम्रपान करना है ना, यहाँ भी ना लगा हुआ है तो धूम्रपान करना बुरा है, सच में बुरा है, तो इट इज़ बैड टू स्मोक, है ना। तो जिसमें ना लगाओ उस केस में जनरली हम लोग इट का इस्तेमाल करेंगे, जैसे हमने अभी आपको बताया, ठीक है। आठवां यूज़ क्या है इसका, इट का प्रयोग निर्जीव वस्तु, पंछी, छोटे मोटे जानवर, कीड़े मकोड़े, नवजात शिशु, नपुंसक व्यक्ति के लिए भी किया जाता है ना। जैसे मैं बोलूँ कि यह एक किताब है तो क्या बोलेंगे, इट इज़ अ बुक। यह एक तितली है, इट इज़ अ बटरफ्लाई, ठीक है। यह मेरा बच्चा है, इट इज़ माई बेबी, है ना। यह मेरा बच्चा है यानी नवजात की बात करें, छोटा बच्चा है, इसको बोलिए हम लोग ना चाइल्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, किसका इस्तेमाल करेंगे, बेबी का, ठीक है। चलिए अब एक चीज़ का यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जैसे मैं बोलूँ कि इट इज़ मोहन, है ना, कोई मोहन व्यक्ति है उसको बोलेंगे इट इज़ मोहन, तो ये चीज़ गलत हो जाएगी, क्योंकि इट मोहन जो है क्या है, सरजीव है, निर्जीव तो नहीं है, तो वहाँ पे इट नहीं लगाएंगे ना। या इट इज़ माई फ्रेंड, है ना, दोस्त भी तो क्या है, सजीव है, इसलिए इसको हम इट का प्रयोग नहीं करेंगे। तो या कुछ लोग याद होती है, जैसे खासकर महिलाओं क्या करती हैं, बोलते हैं इट इज़ माई हस्बैंड, है ना, इट इज़ माई हस्बैंड, तो चीज़ गलत है ना, हस्बैंड कहीं इट होता है, वो तो सजीव है, इस चीज़ का तो ध्यान रखना है। चलिए अब नाइन्थ यूज़ क्या है, जैसे इट का प्रयोग दिए जा रहे वाक्यों के लिए किया जाता है, ठीक है। जैसे आज मेरा उपवास है, ठीक है, तो क्या बोलेंगे, टुडे इट इज़ माई फास्ट, ये ध्यान रखना है आपको। सोमवार को फाइनल है, इट इज़ फाइनल ऑन मंडे। अगले महीने मेरी शादी है, है ना, नेक्स्ट मंथ इट इज़ माई मैरिज। अब तुम्हारी बारी है, कहते ना अब तुम्हारी बारी है, मैंने मैं खेल लिया हूँ, तो नाउ इट इज़ योर टर्न। 10 मार्च को होली है, इट इज़ होली ऑन 10th मार्च, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। अब ध्यान रखिएगा, इट का प्रयोग घड़ी के समय को बताने के लिए भी किया जाता है, ठीक है, घड़ी के समय को बताने के लिए भी। जैसे मैं बोलूँ 10 बजे तो क्या बोलेंगे, इट इज़ 10 o'clock, या 12 बजा था, इट वॉज़ 12 o'clock। अब मैं घड़ी के समय बताने के लिए आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है, इस चीज़ को आप लोग को ध्यान रखना है, आज के बाद आपको घड़ी के समय बताने में कभी भी हिचक या दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए समझते हैं चीज़ों को। एक चीज़ को मैं बताने से पहले मैं बता दूं आपको, जब भी 30 मिनट्स की बात करेंगे तो उसको हम लोग हाफ इस्तेमाल करेंगे, और 50 मिनट्स की बात करेंगे तो इसके लिए हम लोग क्वार्टर का इस्तेमाल करेंगे। तो इसके लिए मैं आइए बताता हूँ चार केस से, ठीक है। पहला केस, जैसे 12 बजने के लिए 5 मिनट बाकी है, है ना, बाकी एक चीज़ और देने की, बाकी या कम हो तो उसके लिए हम लोग टू इस्तेमाल करेंगे, है ना, और कहते ना इतना बज के इतना मिनट हुआ तो उसके हम लोग पास्ट का इस्तेमाल करेंगे। ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ मैं पहले बता दी आपको, दो चीज़ बताया मैंने अभी, 30 मिनट के लिए हम लोग हाफ इस्तेमाल करेंगे और 15 मिनट के लिए क्वार्टर, ठीक है। अब बाकी या कम के लिए हम लोग टू करेंगे, और बज के ना आगे जो होता है उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पास्ट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ आपसे 12 बजने के लिए 5 मिनट बाकी है ना, तो बाकी है तो बाकी क्या होता है, टू, तो इट इज़ 5 to 12। मैंने बोला क्या बोला, इट इज़ 5 to 12, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। 5 मिनट बाकी हैं तो जो बाकी हैं उसको पहले रखिए, और टू के साथ कितने बज में बजने में तो उसको बाद में रखना है, ये चीज़ आपको यहाँ से ध्यान रखना है। जैसे मैं बोलूँ 10:05 हुए हैं तो क्या बोलेंगे, इट इज़ 5:10, है ना, मतलब क्या कर रहा है कि 10:05 हो गए, यानी हो गया है 5 मिनट आगे हो गया है ना, तो आगे वाले को क्या बोलेंगे हम लोग, बजकर हो गया है तो पास्ट बोलेंगे, और बजने में है तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, टू। तो ये चीज़ आपको यहाँ से पकड़ना है, चीज़ों को स्ट्रक्चर को समझिए और फिर बनाइए। जैसे मैं बोलूँ 2:15 हैं तो क्या बोलेंगे, इट्स क्वार्टर पास्ट टू। ये चीज़ आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अब केस नंबर सेकेंड था ये, ठीक है। अब हम बात करेंगे केस नंबर थर्ड, 5:07 हुए हैं, ठीक है, 5:07 हुए हैं तो क्या बोलेंगे हम लोग, इट इज़ 7 past। अच्छा, ऐसा मैंने क्यों बोला यहाँ पे, तो यहाँ पे भी एक पॉइंट आपको याद रखना है, जब भी बीता हुआ मिनट्स या जो मिनट बाकी है अगर 5 के मल्टीपल में ना हो तो उसमें मिनट्स भी जोड़ा जाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जो भी बीता हुआ मिनट्स जो होता है या जो मिनट बाकी है अगर 5 के मल्टीपल में नहीं हो, 5 के पहाड़े में नहीं हो, तो हम उस मिनट्स, है ना, उस मिनट्स को भी जोड़ेंगे। जैसे हमने अभी क्या लिखा यहाँ पे, 5:07, तो 7 मिनट जो है
पाँच से भाग तो नहीं लगेगा इसमें, ये पाँच के मल्टीपल में तो नहीं आता है, इसलिए हम लोग 7 मिनट्स को लिखेंगे, है ना। तो इट इज़ 7 मिनट्स अब पास्ट 5, क्योंकि 5 बजकर हुआ है ना, ये आगे हो गया तो पास्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, जैसे 12 बजने के लिए 24 मिनट बाकी है ना, कम है, तो इट इज़ 24 मिनट्स टू 12, ठीक है। चलिए, तो ये था केस नंबर 3। अब केस नंबर 4 की हम बात करते हैं, ठीक है। केस नंबर 4 क्या कहता है, कह रहा है कि बीता हुआ मिनट 30 से ज़्यादा हो तब पलट कर बनाएंगे। हाँ, ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब भी कोई समय जो है 30 से ज़्यादा हो, 30 के लिए हमने क्या बताया था आपको, हाफ है ना, जब 30 से ज़्यादा हो जाए ना, तो हम जो है आगे वाले का उल्टा बनाएंगे ना। जैसे हम बोलेंगे कि 4:31 है, तो हम 4:31 नहीं पकड़ेंगे, 5 बजने में कितना मिनट कम है, तो 29 मिनट उसको पकड़ेंगे, ठीक है। ये चीज़ इस तरीके से समझना है, ठीक है। तो चलिए, मैं जैसे एग्जाम्पल लेता हूँ, यहाँ पे 10:45 हुए हैं, तो क्या बोलेंगे, इट इज़ 10:45, ये बोलेंगे तो ये गलत हो जाएगा, है ना। इट इज़ 10:45, क्यों, क्योंकि मैंने क्या बोला है, जब भी 30 मिनट से ज़्यादा हो तो हम उसको 35 उतना लिखेंगे नहीं, उसको हम उल्टा आगे से कम करेंगे, ना कि पीछे से चलेंगे, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, इट इज़ 15:11, यानी 11 में 15 मिनट कम है, ठीक है, ये चीज़। या इसको 15 जब आप क्या कर सकते हैं, क्वार्टर, अभी मैं बोला हूँ आपको कि 15 के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, आप लोग क्वार्टर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इट इज़ 10:45 भी कर सकते हैं। जैसे 2 बजने के लिए 35 मिनट बाकी है, तो क्या बोलेंगे, इसको ध्यान रखना है, 2 बजने के लिए 35 मिनट बाकी है, तो 35 मिनट बाकी है ना, तो 30 ज़्यादा हो गया है, तो ध्यान रखेंगे 2 बजने के लिए 35 मिनट बाकी नहीं है, मतलब 1 बजने में 25 मिनट बाकी है, ठीक है। इस तरीके से ध्यान रखना है, 1:25 हो चुका है, ये चीज़ आपको उल्टा समझना है, जस्ट इसका उल्टा कर देना है, 1:25 है ना, 1:25 हो चुका है ये चीज़। तो इट इज़ 25:01, यानी 1:25 हो चुका है, ठीक है। इसे तो ये हो गया आपका केस नंबर 4। चलिए, अब आपको शायद आई थिंक मुझे घड़ी में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब एक चीज़ और मैं आपको यहाँ बता दूँ, अमेरिकन इंग्लिश में और ब्रिटिश इंग्लिश में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या होता है कि जैसे हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश हम लोग बोलते हैं जनरली, है ना, क्योंकि अंग्रेज इंग्लैंड के थे, है ना, वहीं से आया है, ब्रिटिश है वो, तो हम लोग पास्ट और टू इस्तेमाल करते हैं जनरल इंग्लिश के लिए। लेकिन अमेरिकन में क्या करते हैं, अमेरिकन इंग्लिश में पास्ट को आफ्टर बोलते हैं और टू को ऑफ बोलते हैं, ठीक है। पास्ट को आफ्टर बोलते हैं और टू को ऑफ बोलते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जैसे 10 बजने के लिए 5 मिनट बाकी है, तो अमेरिकन इंग्लिश क्या बोलेंगे, इट इज़ 5:10। अभी बोला ना कि ऑफ जो है टू के लिए इस्तेमाल करते हैं और पास्ट के लिए आफ्टर। जैसे 12:15 में तो क्या बोलेंगे, इट इज़ 15:12। तो खैर कोई बात नहीं, अगर अमेरिकन कोई मिल जाए तब आप इस तरीके से बात कर सकते हैं समय के लिए, लेकिन अगर जनरली आप लोग ब्रिटिश का ही इस्तेमाल करेंगे हम लोग पास्ट और टू का, ठीक है।